स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. ओके, सो इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट ओरल सोर्सेस एंड सोर्सेस बेस्ड ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी. ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस पार्ट. फर्स्ट, ओरल सोर्सेस. द फॉलोइंग सोर्सेस आर इंक्लूडेड इन द ओरल सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. जो नीचे आपको एक चार्ट दिया गया है, ये ओरल सोर्सेस के टाइप्स हैं. ठीक है, ये ओरल सोर्सेस है जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इसको इंक्लूड किया गया है. ठीक है, सो फर्स्ट ओरल सोर्सेस इज फोक सॉन्ग्स. ओके, फोक सॉन्ग्स का मतलब क्या होता है? सॉन्ग्स जो है, सॉन्ग्स गाया जाता है. ठीक है, ओरली. तो फोक सॉन्ग्स मतलब क्या होता है? लोक गीत, यानी जब बहुत सारे पीपल मिलके जो गाना गाते हैं उसे कहा जाता है फोक सॉन्ग्स. ओके, नेक्स्ट है पोवाड़ा. पोवाड़ा भी एक सोर्स है, मीन्स जिससे हमें हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में पता चलता है, उसे पोवाड़ा कहा जाता है. ओके, पोवाड़ा भी एक सोर्स है जिससे हमें हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में पता चलता है, और ये भी पता चलता है कि उस टाइम पे, मीन्स उस पीरियड में, एंशियंट हो चाहे मिडिवल पीरियड हो, तो उस पीरियड में पर्सन ने, मीन्स लोगों ने क्या काम किया है, क्या मीन्स हासिल किया है, तो वो भी इसके थ्रू पता चलता है, पोवाड़ा के थ्रू. ओके, नेक्स्ट फोक टेल्स. टेल्स मतलब क्या होगा? स्टोरी. जैसे अभी हमने देखा फोक सॉन्ग्स, जिसको कहा जाएगा लोक गीत, यानी बहुत सारे पीपल मिलके जो गाना गाते हैं उसे कहा जाएगा फोक सॉन्ग्स. और फोक टेल्स यानी जो लोग स्टोरी बताते हैं. ओके, तो उसे क्या कहा जाएगा? फोक टेल्स. तो ये भी ओरली ही बताया जाता है, चाहे सॉन्ग्स गा रहे हैं या फिर स्टोरी बता रहे हैं. ठीक है, तो इसलिए ये किस में इंक्लूड किया गया है? ओरल सोर्स में. ठीक है, नेक्स्ट नरेशंस. नरेशंस का मतलब भी क्या होगा? स्टोरी. ठीक है, नेक्स्ट इंटरव्यूज. जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं या फिर हमारा कोई इंटरव्यू लेगा तो वो ओरली ही लेगा. ठीक है, तो ये भी किस में इंक्लूड किया गया है? ओरल सोर्स में. नेक्स्ट फेयर्स. ओके, मेला जो होता है, जलसा. ओके, आर्ट ग्रुप्स. जलसा मतलब क्या होगा? जैसे कि मोमेडियंस का उरुस निकलता है या फिर रैली वगैरह निकलता है, उसे क्या कहा जाएगा? जलसा. ओके, कोई फेस्टिवल अगर रहता है तो रैली निकालते हैं, मीन्स कोई भी धर्म में रैली निकालते हैं, उसे क्या कहा जाएगा? जलसा. ओके, नेक्स्ट है रिदमिक प्रोज, उसको ओवीवी कहा जाएगा. ये भी ओरली ही बोला जाता है. ठीक है, ओरली ही हमें इस सोर्स को, सोर्सेस से जो है हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. ठीक है, लास्ट वन इज इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स. इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स का मतलब क्या? कि जो लोग सॉन्ग गाते हैं और वो सॉन्ग सुन के हम इंस्पायर होते हैं. ठीक है, तो उसे ही क्या कहा जाएगा? इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स. तो ये सब जो है, ये सोर्सेस किस में इंक्लूड किया गया है? ओरल सोर्सेस में. क्या क्या है उसमें? फोक सॉन्ग्स, पोवाड़ा, फोक टेल्स, नरेशंस, इंटरव्यूज, फेयर्स, जलसा एंड आर्ट ग्रुप्स, रिदमिक प्रोज दैट इज ओवी, एंड लास्ट वन इज इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स. ओके, सो फर्स्ट इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स. अब इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स क्या होता है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रीडम मूवमेंट वेरियस इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स वर कंपोज्ड. यानी फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे, मीन्स हमारे इंडिया को जब आज़ाद करवाना था, तो बहुत सारे मीन्स जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने मूवमेंट किया, आंदोलन किया था. ठीक है, तो जो फ्रीडम मूवमेंट का जो पीरियड था, तो उसमें, वो पीरियड में बहुत सारे इंस्पिरेशनल सॉन्ग जो है कंपोज किए गए थे. ठीक है, एट प्रेजेंट सम ऑफ दीज सॉन्ग्स आर अवेलेबल इन रिटन फॉर्म. और एट प्रेजेंट मतलब पहले तो ये ओरली ही बोला जाता था, ये सॉन्ग्स जो है फ्रीडम फाइटर जो होते थे वो गाते थे. ठीक है, लेकिन एट प्रेजेंट मतलब आज के ज़माने में, आज जो है ये बहुत सारे इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स जो है उसमें से कुछ सॉन्ग्स जो है रिटन फॉर्म में अवेलेबल है. ओके, बट देयर आर मेनी अदर अनपब्लिश्ड इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स मेमोराइज्ड बाय फ्रीडम फाइटर्स. लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जो अनपब्लिश्ड हैं, यानी इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स को पब्लिश नहीं किया गया है. ठीक है, थ्रू दिस इंस्पिरेशनल सॉन्ग वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशंस ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस पीरियड एंड ऑल्सो द स्पिरिट बिहाइंड द फ्रीडम स्ट्रगल कुड बी अंडरस्टूड. ओके, तो ये इंस्पिरेशनल सॉन्ग के थ्रू जो आज जो है रिटन फॉर्म में भी अवेलेबल है,
तो इसके थ्रू जो है हमें प्री इंडिपेंडेंस पीरियड का कंडीशन के बारे में पता चलता है. ओके, मींस हमारी कंट्री जब आज़ाद नहीं हुई थी तो उसको क्या कहा जाएगा, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड. तो इसी इंस्पिरेशनल सॉन्ग के थ्रू हमें उस पीरियड का कंडीशन पता चलता है, ठीक है, कि कैसा कंडीशन था, एंड ऑल्सो द स्पिरिट बिहाइंड द फ्रीडम स्ट्रगल कुड बी अंडरस्टूड. स्पिरिट का मतलब क्या होगा, जोश. जो फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने स्ट्रगल किया, तो फ्रीडम स्ट्रगल के पीछे मीन्स उनका क्या जोश था, ये भी हम समझ सकते हैं किसके थ्रू, इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स के थ्रू. ओके, नेक्स्ट पोआड़ा. पोआड़ा इज अ सोर्स फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ हिस्टोरिकल इवेंट और द वर्क ऑफ ए पर्सन. पोआड़ा क्या है, एक सोर्स है जिससे हमें हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में पता चलता है, हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, या फिर वो पीरियड के जो लोग थे, पर्सन थे, मीन्स एंशियंट पीरियड, मिडिवल पीरियड, या फिर मॉडर्न पीरियड के लोग ही जो काम करते हैं या फिर जो हासिल करते हैं, तो वो किसके थ्रू बताया जाता है, पोआड़ा के थ्रू. ओके, सो पोआड़ा इज अ सोर्स फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ हिस्टोरिकल इवेंट और द वर्क ऑफ ए पर्सन. There are various poadas composed on freedom struggle of 1857. Okay, freedom struggle of 1857 के ऊपर जो है बहुत सारे poadas composed किए गए हैं. Valour of revolutionaries during British rule etc. Okay, valour का मतलब क्या होगा, साहस. Means जो revolutionaries थे British rule के time पे, जो revolutionaries थे उनके साहस के बारे में भी poada composed किए गए हैं, ठीक है. These poadas were used to create motivation and spirit among the people. Means जो ये poadas composed किए जाते थे, तो ये poadas को कैसे used किया जाता था, peoples के among, जो है people के among क्या create करने के लिए, motivation और spirit. Okay, ये जो poadas composed किए जाते थे, जैसे कि अभी हमने देखा कि various poadas यानी बहुत सारे poadas जो है composed किए गए हैं फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 के ऊपर, वैल्यूर ऑफ रिवॉल्यूशनरीज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. तो ये जो पोआड़ाज हैं जो कंपोस्ट किए गए हैं, इसको कैसे मतलब यूज किया जाता था, मोटिवेशन और स्पिरिट क्रिएट करने के लिए. ओके, पीपल्स के बीच में जो है मोटिवेशन और स्पिरिट क्रिएट करने के लिए. नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम फ्रीडम मूवमेंट द पोआड़ाज वर कंपोज्ड बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ सत्य शोधक समाज फॉर अवेकनिंग अमंग द ऑप्रेस्ड क्लासेस, द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट एंड सच अदर इवेंट्स. ओके, अपार्ट फ्रॉम फ्रीडम मूवमेंट मीन्स फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर तो बहुत सारे पोआड़ाज बनाए ही गए, उसके अलावा जो पोआड़ाज कंपोज किए गए वो किस बेसिस पे किए गए थे, वर्क ऑफ सत्य शोधक समाज. ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सत्य शोधक समाज किसने फाउंड किया था, क्यों फाउंड किया था, ये समाज सत्यशोधक समाज फाउंड करने के पीछे क्या रीज़न था, मेन एम क्या था, ठीक है, वो हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे. तो पोआड़ाज जो है इस बेसिस पे भी कंपोज्ड किया गया था, सत्यशोधक समाज फॉर अवेकनिंग अमंग द ऑप्रेस्ड क्लासेस. ऑप्रेस्ड क्लासेस जो कौन होते हैं, जो पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, या फिर जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है ऑप्रेस्ड क्लासेस. क्योंकि जो अपर क्लास के लोग होते हैं वो लोअर क्लास के लोगों को गुलाम बना के रखते हैं, ठीक है, और उनसे जो मर्जी आता है वो करवाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, ऑप्रेस्ड क्लासेस. ऑप्रेस्ड क्लासेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती है कि वो अपने आप को डेवलप कर सकें, ठीक है. तो उनमें जो है जागरूकता लाने के लिए, ऑप्रेस्ड क्लासेस में जागरूकता लाने के लिए, उन्हें अवेक कराने के लिए सत्य शोधक समाज फाउंड किया गया था, ठीक है. तो वर्क ऑफ सत्य शोधक समाज, इसके ऊपर भी जो है पोआड़ाज कंपोज्ड किए गए, ठीक है. नेक्स्ट है संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट. ओके, महाराष्ट्र जो स्टेट है, तो ये पूरा मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट पहले नहीं था, ठीक है. तो ये इंडिपेंडेंट स्टेट बनने के लिए, बनाने के लिए इसमें भी जो है मूवमेंट किए गए,
उसी को कहा गया है संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। ओके, तो इसके बारे में भी हम आगे के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड सर्च अदर इवेंट्स, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए थे जिसके ऊपर पोवाड़ास कंपोज्ड किए गए। ओके, नेक्स्ट वीडियो ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल सोर्सेस। ये जो सोर्सेस है ये किसमें इंक्लूड होते हैं? सोर्सेस बेस्ड ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ओके, जो वीडियो ऑडियो और ऑडियो विजुअल सोर्सेस है ये सोर्सेस इंक्लूड किए जाते हैं बेस्ड ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ओके, ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी देयर वाज अ डेवलपमेंट इन द आर्ट ऑफ फोटोग्राफी रिकॉर्डिंग फिल्म्स एटसेट्रा। ओके, मॉडर्न पीरियड में टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होने की वजह से किसमें और भी मतलब डेवलपमेंट हुआ? फोटोग्राफी में, रिकॉर्डिंग फिल्म्स एटसेट्रा। ओके, मॉडर्न पीरियड के टाइम जो है टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होने की वजह से कौन से फील्ड में डेवलपमेंट हुआ? फोटोग्राफी, रिकॉर्डिंग फिल्म्स एटसेट्रा। ओके, ऑब्वियसली दीज फोटोग्राफ्स रिकॉर्ड्स और फिल्म्स कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। और ऑब्वियसली ये जो फील्ड में डेवलपमेंट हुआ फोटोग्राफी फील्ड में, रिकॉर्डिंग में, फिल्म्स में, तो ये सोर्सेस को जो ये सोर्सेस है ये हम किस लिए यूज कर सकते हैं? एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ओके, ये सोर्सेस को यानी फोटोग्राफ्स रिकॉर्ड्स और फिल्म्स इसको कैसे यूज किया जा सकता है? एज अ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ओके, इससे भी हिस्ट्री का पता चल सकता है, हिस्ट्री के बारे में हम पता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ आर विजुअल सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। फोटोग्राफ क्या है? एक विजुअल सोर्स है, क्योंकि फोटोग्राफ हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ओके, जो पिक्चर्स होते हैं हम उसको अपने आंखों से देख सकते हैं, इसलिए कहा गया है फोटोग्राफ आर विजुअल सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट विद द डिस्कवरी ऑफ आर्ट ऑफ फोटोग्राफी, फोटोग्राफ ऑफ वेरियस पर्संस इवेंट्स ऑब्जेक्ट्स स्ट्रक्चर प्लेसेस वर्क क्लिप्ड। ओके, जब फोटोग्राफी ये फोटोग्राफी आर्ट का जब डिस्कवरी हुआ मीन्स जब इसकी खोज हुई तो फोटोग्राफ्स ऑफ वेरियस पर्सन यानी वेरियस पर्सन्स के फोटोग्राफ्स या फिर इवेंट्स के फोटोग्राफ्स कोई ऑब्जेक्ट्स के फोटोग्राफ स्ट्रक्चर है प्लेसेस है क्लिक किए जाने लगे। ओके, क्योंकि पहले जो हिस्ट्री लिखी जाती थी जैसे अभी ओरल सोर्स को यूज़ करके हिस्ट्री लिखी गई है, हमने वो मतलब किसी ने हमें बताया हिस्ट्री के बारे में हमने सुना, लेकिन हम उस मतलब उसमें कैसे ये बिलीव कर सकते हैं कि वो रियल ही है, ठीक है, क्योंकि कोई बता रहा है और हम सुन रहे हैं उसका प्रूफ नहीं है हमारे पास। किसी ने स्टोरी बताई, किसी ने फोक सॉन्ग्स के थ्रू हिस्ट्री बताया, फोक टेल्स के थ्रू हिस्ट्री बताया, ठीक है, या फिर रिटन फॉर्म ही है, किसी ने कुछ भी मतलब लिख दिया, लेकिन हम ये कैसे जाने कि वो ऑथेंटिक ही है मीन्स वो रियल ही है, कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। लेकिन जब ये फोटोग्राफी की डिस्कवरी हुई मीन्स फोटोग्राफी ये सोर्स का जब खोज हुआ, ठीक है, तब से लेके जो है किसी पर्सन का या फिर इवेंट्स या ऑब्जेक्ट्स मीन्स चीज स्ट्रक्चर प्लेसेस के फोटोग्राफ्स क्लिक किए जाने लगे। ओके, एंड थ्रू दीज फोटोग्राफ्स वी गेट इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन और एन इवेंट इन अ विजुअल फॉर्मेट। और यही फोटोग्राफ्स के थ्रू हमें पर्सन से रिलेटेड या फिर इवेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन किस फॉर्मेट में मिलने लगे? विजुअल फॉर्मेट में, यानी हम देख सकते हैं। अगर कहीं पे कुछ इवेंट हो रहा है तो तुरंत क्या होता है कि व्हाट्सएप पे तुरंत आ जाता है, हमारे पास इमेज आ जाता है, वीडियो आ जाता है, ठीक है, तो वो फोटोग्राफ्स के थ्रू पूरा वीडियो देख के हमें पता चल जाता है। ओके, नेक्स्ट इन केस ऑफ मेडिवल पीरियड देर आर पेंटिंग्स अवेलेबल दैट डिपिक्ट द फिजिकल फीचर्स ऑफ ए पर्सन और विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट। और मेडिवल पीरियड में, जैसे मेडिवल पीरियड में क्या होता है कि पेंटिंग्स अवेलेबल है, मेडिवल पीरियड में क्या अवेलेबल था? पेंटिंग्स। ओके, तो उस पेंटिंग्स के थ्रू जो है पर्सन का फिजिकल फीचर्स वो डिपिक्ट किया जाता है, डिपिक्ट मतलब शो करना, दिखाना, ठीक है, या फिर विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट यानी जो भी इवेंट हुआ है तो उससे रिलेटेड पेंटिंग बना देना, तो वो भी हम देख सकते हैं,
ओके, तो वो विजुअल डिस्क्रिप्शन हुआ. नेक्स्ट, बट द ऑथेंसिटी ऑफ दीज पेंटिंग्स इज डाउटफुल. जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि मेडिवल पीरियड में सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के लिए क्या यूज किया जाता था, पेंटिंग्स वगैरह, वो भी विजुअल सोर्सेस ही है क्योंकि पेंटिंग पिक्चर हम देख सकते हैं. लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो पेंटिंग जो बनाई गई है पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड या फिर किसी पर्सन का फिजिकल फीचर्स के बारे में शो किया है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो पेंटिंग जो है या फिर पिक्चर जो है वो ऑथेंटिक है, ओके, मीन्स रियल है, ठीक है. नेक्स्ट, कंपैरेटिवली फोटोग्राफ्स आर कंसिडर्ड टू बी अ मोर रिलायबल एंड द फोटोग्राफ ऑफ ए पर्सन gives information about the physical features, dressing style, etc. Okay? और अगर compare किया जाए तो जी ये photograph source है. Means medieval period में हमने क्या देखा कि क्या use किया जाता है, जाता था paintings. किसी person के physical features को अगर दिखाना है, show करना है लोगों को, या फिर particular event के बारे में लोगों को बताना है, visual description दिखाना है, ठीक है. पर वो हमें ये नहीं पता होता था कि वो पेंटिंग जो है वो ऑथेंटिक है या नहीं. हमेशा उसकी जो ऑथेंसिटी है पेंटिंग की क्या होती है, डाउटफुल. हमेशा लोगों के मन में जो है आशंका होती है, डाउट रहता है कि क्या पता वो पेंटिंग रियल है कि नहीं है. लेकिन अगर फोटोग्राफ को देखा जाए तो फोटोग्राफ को क्या कंसिडर किया गया है, मोर रिलायबल. ओके, फोटोग्राफ्स के थ्रू जो है हमें किसी पर्सन्स के बारे में जो है इंफॉर्मेशन मिल सकता है, उसके फिजिकल फीचर्स, उसका ड्रेसिंग स्टाइल क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, ओके, फोटोग्राफ्स के थ्रू. नेक्स्ट, फोटोग्राफ ऑफ एन इवेंट गिव अ विजुअल इमेज ऑफ द इवेंट, वेरियस फोटोग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए स्ट्रक्चर हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इट्स नेचर. ओके, फोटोग्राफ ऑफ एन इवेंट गिव अ विजुअल इमेज. अगर किसी भी इवेंट का हम फोटोग्राफ ले लेते हैं, ओके, फोटोग्राफ क्लिक कर लेते हैं, फोटो क्लिक कर लेते हैं अगर किसी भी इवेंट का, तो वो क्या होता है, विजुअल इमेज. हम वो इवेंट को मतलब अपनी आंखों से देख सकते हैं कि क्या मींस वो इवेंट कैसे हुआ, कब हुआ, ठीक है. नेक्स्ट, वेरियस फोटोग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए स्ट्रक्चर हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इट्स नेचर. और दूसरी तरफ अगर देख रहे हैं, मीन्स जो ऑब्जेक्ट का फोटोग्राफ है, किसी चीज़ का फोटोग्राफ है या फिर स्ट्रक्चर का फोटोग्राफ है, तो वो किस में हेल्पफुल होता है, क्या समझने में, उसका नेचर. ओके, अंडरस्टैंडिंग इट्स नेचर. नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग्स. द डिस्कवरी ऑफ टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग वॉज ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज फोटोग्राफी. तो जैसे कि अभी हमने फोटोग्राफी ये सोर्स के बारे में पढ़ा, तो जैसे फोटोग्राफी इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही डिस्कवरी ऑफ टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग भी इम्पॉर्टेंट था, ठीक है. द डिस्कवरी ऑफ टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग वॉज ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज फोटोग्राफी. जैसे फोटोग्राफी की डिस्कवरी जब हुई थी तो वो इम्पॉर्टेंट हुआ, वैसे ही ये रिकॉर्डिंग की टेक्निक जो है वो भी इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है. रिकॉर्डिंग इज अ फॉर्म ऑफ ऑडियो सोर्स ऑफ हिस्ट्री. रिकॉर्डिंग क्या है, सिर्फ हम सुन सकते हैं, ओके. जैसे अगर हम किसी से जो है किसी दूसरे से फ़ोन पे बात करते हैं, तो वो हमारे फ़ोन में क्या हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है. जो भी हमने बातचीत की है तो हमारे फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाता है, तो वो हम बाद में सिर्फ सुन सकते हैं, ठीक है. उसको देख सकते हैं क्या, नहीं. तो रिकॉर्डिंग क्या है, रिकॉर्डिंग इज अ फॉर्म ऑफ ऑडियो सोर्स ऑफ हिस्ट्री, जो हम सिर्फ सुन सकते हैं, इसलिए उसे कहा गया है ऑडियो सोर्स ऑफ हिस्ट्री. ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड द स्पीचेस ऑफ लीडर्स और इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, सॉन्ग्स एट्सेट्रा आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग्स. ओके, मॉडर्न पीरियड में जो लीडर्स के स्पीचेस होते हैं या फिर इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के जो स्पीचेस होते हैं, सॉन्ग्स है, ये सब किस फॉर्म में अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग्स के फॉर्म में, ठीक है. दे कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री. लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग्स है वो कैसे यूज कर सकते हैं, एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री. ओके, फॉर एग्जाम्पल, नेशनल एंथम जन गण मन संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ और द स्पीचेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस कैन बी यूज एज एन ऑडियो सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. ओके, जैसे कि एग्जाम्पल क्या दिया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने
जो ये गाया था अपना नेशनल एंथम जन गण मन, ओके। और नेक्स्ट दिया है सुभाष चंद्र बोस ने जितने भी स्पीचेस दिए थे, तो ये सुभाष चंद्र बोस के स्पीचेस को रविंद्रनाथ टैगोर के का गाया हुआ नेशनल एंथम जन गण मन, इसको कैसे यूज किया जा सकता है एज एन ऑडियो सोर्स, ओके, फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। अगर मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री पढ़ना है, स्टडी करना है, तो ये जो स्पीचेस दिए गए एग्जाम्पल के तौर पे, सुभाष चंद्र बोस का स्पीचेस, रविंद्रनाथ टैगोर का गाया हुआ नेशनल एंथम जन गण मन, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं एज एन ऑडियो सोर्स, ओके। नेक्स्ट है फिल्म्स। फिल्म्स आर कंसिडर्ड एज अ यूनिक डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। फिल्म्स को क्या कंसिडर किया गया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक यूनिक डिस्कवरी है, ओके। फिल्म्स क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक यूनिक डिस्कवरी, ओके। सबसे हटके मींस हमने अभी देखा कि कौन सी किसकी किसकी डिस्कवरी हुई, फोटोग्राफी की, रिकॉर्डिंग्स की, ओके। वैसे ही फिल्म की भी डिस्कवरी हुई, लेकिन ये सबसे अलग डिस्कवरी हुई, मींस यूनिक, ओके। इन द 20th सेंचुरी देयर वाज अ ग्रेट डेवलपमेंट इन द टेक्निक ऑफ फिल्म मेकिंग, मींस 20th सेंचुरी में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, ओके। किसमें, फिल्म मेकिंग के टेक्निक में, ठीक है। नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के इन द ईयर 1913 लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। सी, ये ध्यान में रखना कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के फाउंड न्यू डालने वाले मींस फाउंड करने फाउंडर जो थे वो कौन थे, दादा साहेब फाल्के। कब इन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का फाउंडेशन डाला, कौन से ईयर में, 1913 में, ओके। मींस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के न्यू डालने वाले मींस फाउंडर कौन थे, दादा साहेब फाल्के। कौन से ईयर में इन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का मींस न्यू डाला, 1913 में, ओके। नेक्स्ट, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ दांडी यात्रा, सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सच अदर हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स आर अवेलेबल, ओके। ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग में क्या क्या अवेलेबल है, दांडी यात्रा किसने किया था, महात्मा गांधी ने, सॉल्ट सत्याग्रह ये भी महात्मा गांधी ने ही किया था, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट ये सब हमारे जो है महात्मा गांधी ने ही किया था, ठीक है। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता था, फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन। तो ये जो दांडी यात्रा है, सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब जो है किसने किया था, महात्मा गांधी ने, ओके। सो ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ दांडी यात्रा, सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सच अदर हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स आर अवेलेबल, ओके। ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल इंसिडेंट जो है अवेलेबल है, एंड थ्रू दीज फिल्म्स द इवेंट्स कुड बी सीन इन रियलिटी। और यही फिल्म के वजह से मींस इन पे जो फिल्म जो बनाई गई है, इस जो हमने देखा क्विट इंडिया मूवमेंट, दांडी यात्रा या सॉल्ट सत्याग्रह के ऊपर जो फिल्म्स बनाई गई हैं, तो ये फिल्म्स के वजह से ही हम जो है इवेंट्स को रियलिटी में देख सकते हैं, ओके। जब हम ये फिल्म देखेंगे तो हमें कैसा लगेगा कि ये सच में, मतलब हाँ ये इवेंट्स सच में हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट, compared to ancient and medieval period, the sources of study of modern Indian history are found in abundance and variety, okay। अगर ancient और medieval period का जो sources of Indian history है, means जो हमने ancient और medieval period पढ़ा था, तो अगर modern Indian history का sources compare किया जाए, तो इसमें बहुत सारे जो है variety पाए जाएंगे, okay, बहुत सारे varieties पाए जाएंगे। Next, the archaeological sources of this period are to be great extent found in a better state, okay। There are many written sources preserved in the archives। Archives क्या होता है, वो place जहाँ पे historical documents preserve किए जाते हैं। अगर historical documents preserve नहीं किए जाते तो आज हमें history का पता नहीं चलता, ओके। इसका मेन ऑफिस जो है आर्चीव्स का, मेन ऑफिस कहाँ पे, दिल्ली में। वैसे तो हर एक इंडिया के हर एक स्टेट में खुद का मींस आर्चीव्स है, लेकिन जो मेन ऑफिस है वो कहाँ पे है आर्चीव का, न्यू दिल्ली में, ओके। सो देर आर मेनी रिटन सोर्सेस
प्रिजर्व्ड इन द आर्काइव्स. ऐसे बहुत सारे रिटन सोर्सेस है जो कहाँ मतलब सुरक्षित रखे गए हैं आर्काइव्स में. ठीक है. बट व्हाइल रेफरिंग द रिटन सोर्सेस द आइडियोलॉजी एंड ओपिनियंस ऑफ द ऑथर रिगार्डिंग द पर्टिकुलर इवेंट नीड्स टू बी एग्जामिन्ड. ओके. लेकिन जैसे कि अगर हमने ये जो मॉडर्न सोर्स है फोटोग्राफी, हमने वो फोटो देखते हैं तो हमें मीन्स बिलीव हो जाता है हाँ ये इवेंट हुआ है. लेकिन जो रिटर्न सोर्सेस है जैसे कि मटेरियल सोर्स, रिटर्न सोर्स, ओरल सोर्स को यूज़ करके जो हिस्ट्री लिखी गई है उसकी ऑथेंसिटी को एग्जामिन करने की ज़रूरत होती है. एग्जामिन करना मतलब क्या होता है, चेक करना, उसकी जाँच पड़ताल करना. ठीक है. क्योंकि रिटर्न सोर्सेज जो है वेरियस मीन्स उसमें जो है ऑथर का ओपिनियन होता है, उनका खुद का ओपिनियन. ठीक है. जो राइटर्स होते हैं जो हिस्ट्री लिखते हैं हिस्टोरियन, या फिर उनको ऑथर भी कह सकते हैं, राइटर भी कह सकते हैं, और ज़्यादातर तो हिस्टोरियन ही कहा जाता है. जो हिस्ट्री लिखते हैं उनको हिस्टोरियन ही कहते हैं. तो उनकी अपनी आइडियोलॉजी होती है. आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है, विचारधाराएं या फिर ओपिनियंस होता है. ठीक है. तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने अपने आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग या फिर ओपिनियन के अकॉर्डिंग वो हिस्ट्री लिख दिए. ठीक है. तो इसलिए पर्टिकुलर इवेंट से रिगार्डिंग जो रिटर्न सोर्सेस मीन्स अवेलेबल है, ठीक है, रिटर्न सोर्सेस को यूज़ करके जो भी डॉक्यूमेंट्स लिखे गए हैं, ठीक है, और जो वो आर्काइव्स में अवेलेबल है, प्रिजर्व करके रखा गया है, तो उसकी ऑथेंसिटी को क्या करने की ज़रूरत है, एग्जामिन्ड यानी चेक करने की ज़रूरत है. ठीक है. देर इज़ अ ग्रेट नीड ऑफ प्रिजर्विंग दीज हिस्टोरिकल सोर्सेज थ्रू विच द रिच ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री कैन बी हैंडेड ओवर टू नेक्स्ट जनरेशन. ओके. तो इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि हिस्टोरिकल सोर्सेस को प्रिजर्व करके रखा जाए. अगर हम प्रिजर्व नहीं करेंगे तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को जो है हिस्ट्री के बारे में पता नहीं चल पाएगा. ठीक है. जैसे कि आज जो है, आज हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हिस्टोरिकल सोर्सेस प्रिजर्व करके रखे गए हैं. ओके. जैसे कि अभी हमने देखा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मतलब क्या होगा, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन होता है, जैसे खोद के कोई चीज़ निकालना. ओके. जैसे पहले जो बिल्डिंग्स होते थे, पैलेसेस होते थे, वो टूट फूट जाते थे. ठीक है. बहुत पुराने होके वो टूट जाते थे, और टूट के क्या होते थे, ज़मीन में मीन्स धस जाते थे. ओके. और जब हिस्टोरियंस जो होते थे, जब वो रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ जब उनको मिलती है, जब वो चीज़ उनको कोई चीज़ मिलती है, या फिर जैसे कि मैंने बताया कि पैलेसेस है, या फिर बिल्डिंग्स जो ढह जाती है, नीचे ज़मीन में धस जाती है, तो वो जब उनको मिलता है, जब वो रिसर्च करते हैं और जब उनको मिलता है, तो उसको ही यूज़ करके वो हिस्ट्री लिखते हैं. ठीक है. उसको कहा जाएगा आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन. तो वैसे ही अगर हम हिस्ट्री को मीन्स हिस्टोरिकल सोर्सेस को प्रिजर्व नहीं करेंगे तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलेगा. तो क्या ज़रूरत है, देर इज़ अ ग्रेट नीड ऑफ प्रिजर्विंग दीज हिस्टोरिकल सोर्सेस मीन्स ये जितने भी हिस्टोरिकल सोर्सेस है उनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है. थ्रू विच द रिच ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री कैन बी हैंडेड ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो ये हिस्ट्री की जो परंपरा है उसी के थ्रू अगर हम हिस्टोरिकल सोर्सेस को प्रिजर्व करके रख रहे हैं तो हिस्ट्री की जो परंपरा है वो हम नेक्स्ट जनरेशन को दे सकते हैं. ठीक है. बता सकते हैं. ओके. सो होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.